मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शनिवार रात 9:30 बजे के दरमियान खरडे गांव के आर इंटीरियल नाम के एक फर्नीचर के गोडाउन में आग लग गई। इस गोडाउन में रखे फर्नीचर जलकर राख हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर केला कंपाउंड, सील फाटा, खरडे रोड, इन जैसे परिसरों में बार बार आग लगने की खबर सामने आती है, मगर बहुत कम ही आग लगने की वजह का पता चलता है। आखिर क्यों बार बार आग लगती है या फिर आग लगाई जाती है? कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की भी लापरवाही सामने आती है। फायर ब्रिगेड सील फाटा, खरडी रोड जैसे बने परिसरों में जो फर्नीचर, प्लास्टिक के ऐसे गोडाउन हैं, उनकी जांच क्यों नहीं करता है? क्या इन गोडाउन में आग बुझाने के उपकरण मौजूद हैं? अगर नहीं है तो इनको नोटिस फायर ब्रिगेड क्यों नहीं जारी करता है? आखिर क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है? बार बार इन परिसरों में आग लगना और हमेशा की तरह फायर ब्रिगेड पर भी देर से आने का आरोप लगना, ये आम बात हो गई है। क्या हुआ था, ये आग कैसे लगी और कितने बजे लगी, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? मुझे तो बड़े भाई से फ़ोन आया था कि यहाँ पे आग लगी है, भाई भिवंडी में और अब्बा कहे गाँव में। तो मालूम पड़ा कि दुकान में आग लगी है, दुकान तोड़ना पड़ेगा। आग तो समझो थोड़ी सी लगी थी। ये मेरे को लगता है कि जो फायर ब्रिगेड है बहुत देर से पहुंची है ट्रैफिक की वजह से, वरना आधी दुकान पूरी बची सलामत थी। मेरे सामने में जलते हुए देखा, मैं कुछ नहीं हम लोग कर सके। ये अफवाह थी कि ऊपर सिलेंडर है इसलिए कोई आगे बढ़ नहीं सका, ये सिलेंडर फट जाएगा इसलिए हमको भी आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर वक्त पे अगर फायर ब्रिगेड पहुँच जाती तो ये नुकसान होता नहीं था। रोड की ट्रैफिक की वजह से इतना हम लोग का नुकसान हुआ है। अभी कम से कम 3 लाख का नुकसान हुआ है। इसमें ऑर्डर्स के भी सामान थे, एक नेहरू का सब ऑर्डर के सामान थे और रेडीमेड थे, सरमाई का थे, प्लायर्स थे, सब बहुत महंगा महंगा सामान था, ऑर्डर के भी थे। क्या कारण है इसकी आग लगने की? अभी आग लगने के कारण तो कुछ पता नहीं चला अभी तक, क्योंकि आग तो शटर बंद था, अंदर से लगी है। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, क्योंकि अपन अंदाजा ही लगा सकते हैं। एरिया में जितने भी ऐसे फर्नीचर के गाले हैं, प्लास्टिक के गाले हैं, तो इस एरिया में अक्सर ऐसे आग लगता है, तो क्या इंश्योरेंस के लिए वजह से ऐसे भी आग लगाई जाती है या फिर ऐसे आग लग जाती है, क्या मामला है? मुझे लगता नहीं कि इंश्योरेंस के वजह से लोग लगाया होगा, क्योंकि ये लोग को उतना कायदा कानून का पता भी नहीं होगा। अगर वैसा होता तो हम लोग इनको हमेशा बोलते हैं कि पत्रिका रखो मत, क्या पत्रिका रखने से एक से दूसरे में आग फैल जाती है। तो इंश्योरेंस का तो बात नहीं होगा, मगर आइंदा इंश्योरेंस करना जरूरी है, ये उनको सूचना देना जरूरी और लगता है मुझे। जिस गोडाउन में आग लगी उसमें मोहम्मद यासीन फर्नीचर का कारोबार करते थे। करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इस आग में। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां लगी थी और आग पर काबू भी पा लिया गया है, मगर क्या फायर ब्रिगेड इन परिसरों में बने गोडाउनों की जांच करेगी या फिर किसी अनहोनी के बाद ही फायर ब्रिगेड की नींद खुलेगी? तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।